वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल 100 mg के बारे में। तो दोस्तों जानेंगे इसके यूज, साइड इफेक्ट और इसके बारे में काफी मैंने अपने एक्सपीरियंस है जो बताऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों ये है मेरे पास डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल जो है मेरे पास जिडॉक्स के नाम से। ये है मेरे पास एल्विन कंपनी की, एल्विन लेबोरेटरी कंपनी की, जो एक जेनेरिक है और ये एक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं लगभग 25 रुपए की। ये आपको एथिकल जेनेरिक दोनों फॉर्म में मिलता है। ये मेरे पास जेनेरिक रूप में है और ये है एक 100 mg में। इसके साथ दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक बैसिलस के साथ भी आता है, लेकिन ये प्लेन डॉक्सीसाइक्लिन है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो दोस्तों इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यूज़ हैं। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है तो इसके बहुत अच्छे अच्छे यूज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेनली आता है, सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल संक्रमण के लिए होता है। मतलब बैक्टीरिया जैसे कई तरीके के संक्रमण, बैक्टीरियल कहाँ भी हो सकता है, जैसे गले में हो गया, फेफड़े में हो गया, स्किन में हो गया, आंतों में हो गया। जैसे कभी कभी गला खराब हो जाता है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, स्किन पर रैसेस वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज जो आता है वो है आपका सिप्लिस। सिप्लिस यानी होता है जैसे दांत रहे छाले हो जाते, दर्द रहे छाले हो जाते मुंह में और गुदा में हो जाता है, मलासे में हो जाता है, होंठ में हो जाता है, मुंह में छाला आदि पड़ना ही सिप्लिस कहलाता है। ये एक टी पैलेडिन बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जो इसमें खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूज जो आता है वो है आपका क्लेमाइडिया, यानी ये एक सामान्य यौन संचरित रोग है जो महिलाओं के गर्भाशय में, गर्भाशय के ग्रीवा यानी क्लेविक्स और मलाशय में, गले में तथा मेल के यानी पुरुष के मूत्र मार्ग के अंदर या फिर मलाशय वगैरह में, गुदा वगैरह में, गले में हो सकता है। तो ये इन संक्रमणों के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूज आता है वो आपका सूजा के लिए यानी गनोरिया के लिए आता है। गनोरिया के बारे में पहले भी आपको बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, ये भी एक यौन संचारित रोग है जो फैलता है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका प्लेग रोग में आता है जो चूहों जानवरों की वजह से पुरुष आदमी वगैरह में या मनुष्य में फैलता है। चेहरा लाल हो जाना उसमें यूज़ करवाया जा सकता है। आपका UTI में ही हो सकता है, जैसे आपका यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है या फिर कहीं पेशाब में जलन आती है या फिर सूजन आ रखी है यूरिथ्रा वगैरह में, तो आप इसमें यूज़ आराम से करवा सकते हैं। पेड़ों में दर्द हो सकता है, पेड़ों में दर्द के लिए यूज़ करा सकते हैं। पेड़ों में दर्द बेसिकली ये पोर्शन आते हैं जैसे आंते हो गया, आपका मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडाशय आदि में दर्द होता है, जो मतलब नीचे की साइड हो जाए, जो पीछे की तरफ पेल्विक पोर्शन होता है जो बैकवर्ड का, उसमें यूज़ करवाया जा सकता है। तो आप इसका रिजल्ट आराम से कर सकते हैं। यूरेथ्राइटिस में हो सकता है, जैसे पेशाब की जगह में दर्द सूजन के लिए होता है, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है योनि वगैरह में, तो इसमें यूज़ करवा सकते हैं। लिकोरिया में हो सकता है, जैसे किसी का फीमेल लेडीज होती है जो अधिकतर लोगों में योनि में सफ़ेद वाइट पानी वगैरह डिस्चार्ज होता रहता है, तो उसमें यूज़ करवा सकते हैं। अगर किसी को लाइफ टाइम मतलब कंटिन्यूसली यह बीमार रहती है, किसी का पानी वाइट पानी निकलता रहता है, तो उसमें यूज़ करवाया जा सकता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पायरिया में होता है, जैसे मसूड़े वगैरह में सूजन आती है, मसूड़े में खून वगैरह आना शुरू हो जाता है, कई बार आपने प्रचार भी देखा होगा, तो उसमें भी यूज़ करवाया जा सकता है इसको। सेलुलाइटिस में हो सकता है, जैसे त्वचा में सूजन वगैरह आती है, लालिमा आती है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो मतलब हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करवाया जा सकता है। साइनस में यूज़ हो सकता है इसका, जैसे किसी नाक की हड्डी वगैरह में दर्द होता है या फिर नाक की हड्डी बढ़ती है, तो अधिकतर लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड वगैरह हो जाता है जल्दी से, या फिर जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी वगैरह से, उसमें भी यूज़ करवाया जा सकता है। पिंपल्स में यूज़ हो सकता है, जैसे किसी के चेहरे पर पिंपल्स रहते हैं लगातार, तो उसमें यूज़ करवाया जा सकता है इसको, और ये एक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। ब्रासिलोसिस में हो सकता है इसका, यानी दूषित, जैसे ब्रासिलोसिस उसको कहते हैं जो दूषित खाना होता है, जैसे गंदा खाना होता है जैसे, तो उसमें कीटाणु वगैरह कई तरह के रहते हैं, अगर किसी को उस तरीके से बीमारी हो जाती है दूषित खाने से, लूज मोशन वगैरह कई चीज़ें की हैजा वगैरह कहते हैं जिसको, डायरिया वगैरह हो जाता है, उसमें भी यूज़ करवाया जा सकता है। सिटेकोरेसिस होता है, जैसे सुक्रोग कहते हैं जिसको, सिटेकोरेसिस सुक्रोग यानी जैसे ये एक जानवरों से होता है, यानी पक्षी तोते अन्य जानवरों से भी मनुष्य में फैलता है, जैसे तोते वगैरह किसी को पालतू रहते हैं तो उनमें ये बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है।
अम्बेबेसिया से होता है, जैसे किसी का स्वच्छता के कारण जहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग ऐसे गंदगी माहौल में रहते हैं, जिससे अम्बेबेसिया रोग हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने सारे डिटेल्स आपको दे रखी है। क्यों फीवर हो गया, जैसे ये जानवरों से व्यक्ति में फैलता है, क्यों फीवर होता है, जो जानवरों से होने वाली रोग है तो इसमें ये मनुष्य में फैलता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आपका गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। ये बेस्ट एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। नवजात बच्चों का नेत्र शोध होता है, जैसे किसी का नेत्र वगैरह में दर्द हो रहा है, आंखें सूजन आ जाती है तो उसमें यूज़ हो सकता है। हैजा वगैरह होता है, डायरिया हो रहा है किसी को तो उसमें यूज़ हो सकता है। बेसिक यूज़ का मेन यूज़ का बैक्टीरियल संक्रमण है, वो आपका योनि में सफ़ेद पानी आना हो गया, आपका यूरिथ्राइटिस हो गया, कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसमें यूज़ करवाया जा सकता है इसको, डॉक्सीसाइक्लिन को। बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट आपको मितली, उल्टी और बॉडी में लाल चकत्ते, थकान, सर दर्द, मुंह सूखना, खांसी या फिर लीवर में इशू वगैरह हो सकता है। अगर आप इसका अधिक यूज़ करते हैं, ओवरडोज लेते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट देखने को बेसिकली मिलते हैं। डोज की बात करते हैं तो फर्स्ट डे आपको इसको 100 mg सुबह शाम लेनी है, उसके बाद आपको 100 mg 5-7 दिन तक इसको ओडी लेना है, यानी एक दिन में एक बार लेनी है। बाकी आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग इसकी डोज ऊपर नीचे हो सकती है, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा इसका यूज़ करने से पहले। तो दोस्तों उपलब्धता बता देता हूँ आपको, ये मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल और ड्राई सिरप के फॉर्म में मिल जाता है, जो आपको निषेध करना है। इसको 8 वर्ष से छोटे बच्चों को इसको उपयोग नहीं करवाना है, और गर्भावस्था, दुग्ध अवस्था है किसी की तो डॉक्टर की सहायता से ही इसका उपयोग करिएगा, अन्यथा आप इसका यूज़ मत करिएगा। तो दोस्तों ये है डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में कंप्लीट रिव्यू, मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई छूट गया तो मुझे क्वेश्चन क्योरी के लिए आप मुझे फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लाइक करते हैं वीडियो तो मुझे काफ़ी मोटिव मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।